तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक तरफ जहां देश में हिजाब को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं इसी बीच दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हिजाब पहने हुए विदेशी महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और भागने लगी। घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब गुरुग्राम के राजीव चौक के पास एक टैक्सी को रुकवाकर हिजाब पहनी हुई महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर हमला कर दिया। बाद में आरोपी महिला को पकड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब पुलिस महिला को पकड़ने के लिए आई तो महिला भागने लगी और पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई करने लगी। इस ड्रामे की पूरी तस्वीरें सामने आई है। जब सड़क के बीचों बीच ये ड्रामा चलता रहा, करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिजाब पहने हुई महिला को हिरासत में ले लिया और उसके बाद उसे सिविल लाइन थाने ले जाया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर हमला क्यों किया और ये महिला कहाँ की रहने वाली है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर ने भी ये दावा किया है कि वो इस महिला को नहीं जानता। फिलहाल पुलिस को इस महिला के पास कोई पासपोर्ट, वीजा या आधिकारिक कागजात नहीं मिले, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपने आप को मिस्र की रहने वाली बताया। ये दो तस्वीरें गुरुग्राम की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है और इस हिजाब पहनी हुई महिला को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हिजाब पहने हुई महिला ने पुलिसकर्मी के साथ भी हाथापाई की और करीब 20 मिनट तक सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गुरुग्राम में एक महिला ने, हिजाब पहनी हुई महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि महिला कहां की रहने वाली है और इसका क्या संबंध था और इसने क्यों टैक्सी ड्राइवर पर हमला किया। तो वहीं इस मामले में टैक्सी ड्राइवर ने भी कहा है कि वो इस महिला को नहीं जानता है और क्यों उस महिला ने टैक्सी ड्राइवर के ऊपर चाकू से हमला किया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हिजाब पहने हुई जो महिला है, जो उसने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से वार किया था, वो पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गई, हाथापाई करने लगी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। मैं वहाँ गाड़ी खाता हूँ, मैं बिहार की सवारी लेके जाता हूँ, शेरी में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो ये सवारी मैंने बैठा रखी थी आनंद बिहार की, ये पीछे से आई थी, मुझे लगा कहीं जाने के लिए पूछेगी, तो इधर उधर देखा ऐसे, मैंने क्या काम है, चाकू मारा और भाग गई। अच्छा। कुछ नहीं, पीछे से आई थी, इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा और ऐसे कर देख कर चाकू मार भाग गई। गाड़ी में मैं गाड़ी में बैठ, ये गाड़ी मेरी किराए की गाड़ी है, मैं रेंट पे गाड़ी लेकर चला। कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आई है, आई थी और इसने मुझे यहाँ चाकू मारा और भागी। तो महिला ने वहां पर भी जमकर हंगामा किया। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह महिला वहां से भागने की कोशिश कर रही है। जब पुलिस महिला पुलिसकर्मी जब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो उससे भी हाथापाई कर रही है।